ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, लें पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि तीन फार्मूले हैं जिनसे हम मोशन के प्रॉब्लम हल करते हैं, हरकत के मसाइल। तीन फार्मूले में से दो फार्मूले हमने करा दिए थे और वो ये थे, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, ये पहला फार्मूला था, और दूसरा फार्मूला था एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा फार्मूला क्या था, टू ए एस बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ठीक है। आज की क्लास में हम ये तीसरी इक्वेशन इसको हल करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी बराबर होता है किसके, एस अपॉन टी के, एक सेकंड में तय करता फासला स्पीड कहलाता है, हम ये जानते हैं। टी यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, जाकर क्या करेगा, वी बराबर है एस अपॉन टी, सॉरी टी यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, जाकर क्या करेगा, तो एस बराबर है वी इंटू टी, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ये वी है, वी का क्या मतलब है, ऐसी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी जो एक ही स्पीड से जा रही है, क्योंकि ये फार्मूला उस गाड़ी के लिए होता है जो एक ही स्पीड से जा रही है। अब हम इस फार्मूले में इस वी को हटा के इसकी जगह एक ऐसी गाड़ी की स्पीड लिखेंगे जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, चूँकि जो वी होता है वो बराबर होता है किसके, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय टू, अगर उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को जमा करके दो से डिवाइड करते हैं तो वही वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा इस एवरेज वेलोसिटी को हटा के इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ये वाली चीज़, तो मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, एस बराबर है, ऐसे लिखते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन ए, ए में इसको पुट कर रहे हैं, एस बराबर है, इस वी को हटाया और इस वी को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, और ये वाला टी ऐसे आ गया। फिर इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन बी का, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, एक चीज और जानते हैं हम, वी नो दैट क्या जानते हैं, जरा समझिएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये जानते हैं हम, एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, वी एफ माइनस वी आई अपॉन, इस टी को यहाँ ले आइए और इस ए को यहाँ ले जाइए, तो टी किसके बराबर होगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ये जो टी की वैल्यू है इसको इस टी की जगह पे रख रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन बी, ठीक है। इक्वेशन बी क्या है, एस ऐसे लिखा, ये वाला एस ऐसे लिखा, बराबर का निशान ऐसे लिखा, और इसकी जगह पे क्या लिखा, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, और ये जो टी है इसकी जगह पे क्या लिखा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में हो, तो हमने ये बात पढ़ी है मैथ में,
दो चीज़ों पर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो उसे एक दफ़ा प्लस में लिखा जा सकता है, एक दफ़ा इस बात को मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ अलग से, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अगर हो तो क्या कर सकते हैं आप, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अच्छा ये हो तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये हो तो उसकी जगह, इसका मतलब एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो प्लस वाले को छोड़ के माइनस वाले पे क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर करते हैं। उन्होंने यही काम किया, एस बराबर है ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस वाले को छोड़ के माइनस वाले पे स्क्वायर कर लिया, वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, नीचे दो ए मल्टीप्लाई कर लो क्या हो गया 2a, ठीक है। और अगले स्टेप में ये जो 2a है यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2as, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 2as बराबर है किसके, वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। यही दरअसल क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की, हमारा एक बुनियादी फार्मूला है जिस जो स्पीड का फार्मूला, स्पीड बराबर होता है ऐसे पॉन्टी, तुमने एस को किसके बराबर रखा, टी यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर, ये हमारा बुनियादी फार्मूला। इसमें वी की जगह क्या रखेंगे, वी की वैल्यू, और टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू। वी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एवरेज वेलोसिटी से, और टी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक्सेलरेशन के फार्मूले से, सही है। वी की जगह वी की वैल्यू रखी और अगले स्टेप में टी की जगह टी की वैल्यू रखी, फिर जब एक प्लस में था एक माइनस में था, प्लस वाले को छोड़ दिया, माइनस वाले पे स्क्वायर कर लिया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, ये डिवाइड कर रहा था, मजा के मल्टीप्लाई करेगा, उतारिए। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 49 आपका, उस पर एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देखें सब बच्चे गौर से, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 हम करेंगे। तो लिखा हुआ है अ कार मूविंग ऑन अ रोड, ठीक है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार रोड पर चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी कर रहे हैं हम, 5, पेज नंबर क्या है 49 पर। एक कार जो है वो रोड पर चल रही है, और जिस वक्त हमने उसको स्टडी किया है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके सामने ये एक कार है, ठीक है, फर्ज करें ये जा रही है रोड के ऊपर ऐसे। तो हमने जब इसको स्टडी शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। आगे पढ़ते हैं सवाल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब उसको ब्रेक लगाया जाता है, ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, जब गाड़ी का ड्राइवर उसको ब्रेक लगाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, हर सेकेंड में, इसका मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन है ब्रेक लगाने पर वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई, और आपको पता है जब गाड़ी स्लो होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं, और जब गाड़ी तेज़ होती है तो एक्सेलरेशन प्लस में लेते हैं, लिहाजा ये वाली एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू होगी किस में होगी, माइनस में। फिर क्या हुआ, होता है और ये लिखा हुआ है डीसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये जब ब्रेक लगा ना तो गाड़ी खास जगह पे जाके रुक गई, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके
यहाँ तक रुकने से पहले पहले उसने कितना फासला तय किया है। सवाल समझ में आ गई? जिस वक्त गाड़ी जा रही थी उसका कांटा कहाँ था? 30 पे। ब्रेक लगाना शुरू किया, जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टडी। ब्रेक लगाना जैसे ही शुरू किया तो कांटा वापस कैसे आता है? हर सेकंड में 6 की चेंज से वो नीचे आ रहा है। अच्छा, गाड़ी जहाँ से ब्रेक लगाना शुरू हुआ, रुकते 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 कितने फासले पे जाके रुकी, यानी ब्रेक जहाँ लगाना शुरू किया वहाँ से जहाँ तक वो रुकी है वहाँ तक का फासला आपको मालूम करना है। ये फासला आपको मालूम करना है। इसका डेटा बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ आपको? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस मालूम करना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको ये पता है कि आखिरी में उसकी जाके वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है? एस। अब आप देखिए इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। कितनी चीज़ें दी गई हैं? 4 चीज़ें। और हमारे पास फार्मूले 3 हैं। कौन कौन से? VF बराबर है किसके? VI प्लस AT। और S बराबर है किसके? VI T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपको याद करने फार्मूले अच्छी तरीके से। और 2AS बराबर है किसके? VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। आपके ख्याल में इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए इस सवाल को हल करने के लिए? देखिए इसमें, हाँ तीसरा, इसमें टाइम नहीं है। और हमारे पास तीसरा फार्मूला, उसमें भी टाइम, तीसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा हमने क्या लगाया? 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। 2 की जगह 2 लिखा, A की जगह क्या लिखेंगे? A की जगह लिखेंगे माइनस का 6। और S मैंने ऐसे लिख दिया तो मालूम करना है। और VF की जगह लिखा 0 का स्क्वायर माइनस VI की जगह क्या लिखेंगे? VI की जगह लिखेंगे 30 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस का 12 इंटू S इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 ही हो गया, माइनस 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 900। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो 3 हो गए 9, और ये दोनों 0 ऐसे आ गए 900। तो माइनस का 12 इंटू S इज इक्वल टू 0 में से इसको निकालेंगे माइनस का 900। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो S बराबर है माइनस का 900 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 900 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 से मैं काट रहा हूँ, 12 7 84 12 7 6 बचे, 6 वहाँ चला गया 60, 12 5 60, तो जवाब आ गया 75। इसका मतलब ये है कि गाड़ी रुकते रुकते कितना फासला तय करेगी? 75। 30 की स्पीड से जा रहे हैं आप, ब्रेक आप लगाएं, गाड़ी रुके ऐसे कि हर सेकंड में उसकी स्पीड 6 कम हो, तो गाड़ी रुकते हुए कितना फासला तय रही? 75 मीटर, ठीक है, उतारिए।